तो चलो बच्चे इस वाले क्वेश्चन को देखो इसमें क्या है बेसिकली द काइनेटिक एनर्जी नीडेड टू ए बॉडी ए प्रोजेक्ट ऑफ मास एम फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू इन्फिनीटी मतलब अर्थ के सरफेस से यहाँ पर पहले बॉडी थी इसको मुझे कहाँ पहुँचा देना है भाई इन्फिटी को तो इन्फिनी पे पहुँचा देंगे तो जस्ट इसको हमें पहुँचाना है तो इन्फिनी पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी हमारी ज़ीरो हो जाएगी तो एनर्जी कंजर्वेशन से ये जो वेलासिटी है उस वेलासिटी को निकालो ये पॉइंट वन है और पॉइंट टू है तो जस्ट इसको स्केप कराना है तो या तो इसके वेलोसिटी आपको याद हो इसके वेलोसिटी कितनी होती है तो टू जी एम और प्लेनेट की रेडियस आर अंडर रूट और इस इसके वेलोसिटी की वैल्यू टू जी एम की वैल्यू होती है जी आर स्क्वायर और यह आ जाएगा आर अंडर रूट तो फाइनली ये जो आ जाएगा वो आ जाएगा टू जी आर अंडर रूट क्योंकि एम जी आर के टर्म में हमें सोलूसन लिखना है अगर आपको इसके वेलोसिटी का फार्मूला याद नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो तो काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है फर्स्ट पॉइंट पे बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम एट लास्ट पॉइंट मतलब इन्फिनी पे तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी बॉल और जिसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है स्मॉल आर और काइनेटिक और पोटेंशियल जीरो तो यहाँ से इसके वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी टू जी एम ओवर आर अंडर रूट की है. तो ये तो मैं आपके लिए डिराइव कर दिया बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो ये जो वेलोसिटी आ गई अब हमें क्या लिखना है भाई काइनेटिक एनर्जी लिखना है तो काइनेटिक एनर्जी लिखना है तो तुम बड़े आराम से लिख सकते हो यहाँ पे बोलो यहाँ पे काइनेटिक हाँ काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू देखोगे तो हाफ एम वी का स्क्वायर मतलब वी कौन सी इसके वेलोसिटी तो अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला याद है इसके वेलोसिटी का तो ये टू जी आर अंडर रूट का स्क्वायर तो टू जी आर अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो एम और टू जी आर और डिवाइडेड बाई टू तो टू ने टू को ख़त्म कर दिया तो फाइनली जो सोलूशन बना वो एम जी आर बना मतलब इस हिसाब से हम लोगों का सी ऑप्शन सही हो जाता है